हाँ शाइन मैडम, आप भी आज बीआरएस पार्टी में प्रवेश किए हैं, यहाँ कदीर मौलाना साहब की उपस्थिति में। हाँ, बहुत सी महिलाओं ने यहाँ उपस्थिति बताई है, क्या कहेंगे आप? केसीआर पार्टी में सब महिलाओं ने जो आज जो प्रवेश लिया है, तो सब पक्षों में लोगों ने काम करके देख लिए, कोई पक्ष कुछ देता नहीं। जो केसीआर में जो लेडीज अभी आ रही है, तो वो आगे का भविष्य सोच सकती है कि उनके बाल बच्चों का भी भला होने वाला है और उनका भी होने वाला है। बोल हमने भी बहुत पार्टी में काम करे, कोई कुछ सब आश्वासन देते, कोई कुछ काम करता नहीं। भला कैसा होने वाला है? भला बोल तो जो भी स्कीम है लेडीज़ों को, वो स्कीमों की पूरी फायदे मिलेंगे उनको, मतलब आगे चल के जिसको घर कुल है घर कुल मिलेंगे, जिनको घर नहीं है वो मिलेंगे, लोगों को अनुदान मिलेगा। आपका पूरा नाम बोलिए। शाइन पटेल। आज ये अपना शंभूनगर मध्य अपने ऑफिस से बीआरएस पार्टी से उद्घाटन है आणि माननीय सन्मान्य अब्दुल कदीर मौलाना साहेब यांची उपस्थिती आहे। तुम्ही हे वार्डाचे महिलांचे काम कसे करणार त्याबद्दल थोडक्यात सांगा। सर कदीर मौलानाच्या मार्फत म्हणे आम्ही सगळे काम व्यवस्थित करू आणि जे काही महिलांच्या समस्या आहेत त्या सगळ्या व्यवस्थित करू, सॉल्व करू। आणि हे जे कारण याच्यासाठी आहे, पीमध्ये ज्या गोष्टी झाल्या त्या गोष्टीचा सतत अपमान करणे आणि जातीवर येणे ह्याचं मला धिक्कार झाला, म्हणून मी नफरत करून की बीआरएस पार्टी मैंने जॉईन करली। हाँ, तुम्ही आज प्रवेश केला आहे पार्टीमध्ये बीआरएस पार्टी। हाँ हाँ, तो किती महिलांनी प्रवेश केलेला आहे? आज 100 महिलांनी प्रवेश केला आहे। आपलं पूर्ण नाव सांगून आणि इतरांना ॲड्रेस दाखवा। ओके, पुष्पा विठ्ठल बनकर आणि शंभूनगर गादीवा रोड। एक महिला है और आज जो बीआरएस पार्टी का प्रवेश सोहरा रखा गया है शंभूनगर में, बहुत सी महिलाओं की उपस्थिति है, क्या कहेंगी मैम? ये तो बीआरएस पार्टी का धमाका है, जो संगठन को जुड़ाने का काम ये महिलाएं खुद होके जुड़ रही है, ये सबसे बड़े अभिमान की बात है। और उनको लोगों को समझ में आया हुआ है कि बीआरएस पार्टी क्या कर सकती है। जो तेलंगाना मॉडल है, जो तेलंगाना में जो करेवा है, उन्होंने ये महाराष्ट्र में आया है और ये करने वाले हैं, ये समझ में आने के बाद ही महिलाएँ जुड़ रही है। ये सबसे अच्छी बात है, जो हमको खुशी हो रही है। और इसमें साथों साथ मेरी बहन जो शाइन बाजी है, पुष्पा दीदी है, सब ये संगठन हमारे साथ है, हमारे भाई कदीर भाई है, ये सब संगठन साथ में लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपका नाम बताइए। मेरा महिविश खान कादरी। मौलाना साहब, आज जो शंभूनगर में आज बीआरएस पार्टी की तरफ से प्रवेश का सोहरा रखा गया है, तो औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं को कैसा जोड़ेंगे आप उस, और आपकी लाहे अमल क्या रहेगा बीआरएस पार्टी का, उस बारे में बताइए। बीआरएस पार्टी का पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, इसी तरह जैसे औरंगाबाद शहर के अंदर में वार्ड वाइज और इलाके वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग तमाम जात बिरादरी के लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। आज खुसूसी तौर से हमारी बनकर ताई महविश खान और शाइन बाजी के नेतृत्व में महिलाओं का एक मध्य और पश्चिम का एक अच्छा मेलावा इन्होंने लिया है। बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं और बड़ी तादाद में जो है तो बीआरएस में उनका प्रवेश हो रहा है। और शाइन बाजी बनकर ताई हमारे महविश खान एक शहर के अंदर महिलाओं का एक बड़ा संगठन को अंजाम दे रहे हैं। एक अच्छे तरीके से महिलाओं पर किस तरह काम किया जा सकता है बीआरएस पार्टी के माध्यम से, इस तरह पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम हो रहा है जैसे औरंगाबाद में काम हो रहा है। महाराज साहब, कुछ दिनों के बाद में जिला परिषद और महानगर पालिकों के इलेक्शन भी आएंगे, तो क्या बीआरएस पार्टी दूसरी जो सहयोगी पार्टियां है जहाँ शहरी पार्टियां है, तो क्या उनसे समझौता करेंगे या अकेले दम पे लड़ेंगे? हम महाराष्ट्र में जिला परिषद हो, महापालिका हो, नगर पालिका हो, अकेले दम पर ही हम हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सेकुलर पक्ष होंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी बीजेपी और शिवसेना के ख़िलाफ़ हम अगर सरकार दे सकते हैं, मेयर बना सकते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष बना सकते हैं, तो सेकुलर पार्टियों के साथ हम समझौता करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। मौलाना साहब, देखने में आता है कि बहुत सी पार्टियां जो है अल्पसंख्यक समाज को लालच देती है और जब सत्ता आती है तो महापौर के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो बीआरएस पार्टी अगर महानगर पालिका में सत्ता लाती है तो क्या अल्पसंख्यक समाज का पहला महापौर बनाने की कोशिश करेंगे? बीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जात बिरादरी के लिए कोई थारा नहीं है, इंसानियत को इंसानियत के नज़र से देखती है और जिस समाज की भी जो काबिलियत है, जो वजूद है, उसके वजूद को बनाया जाएगा। किसी जात बिरादरी को या माइनॉरिटी को और मेजॉरिटी का कोई सवाल नहीं है।
पार्टी में मजबूती से एकत्रकरण करके सभी को साथ में लेकर सारी धर्म संभव समाज को साथ में लेकर काम करेंगे। और जो कमज़ोर तबके के समाज है, जो कमज़ोर है, उनको किस तरह मजबूत किया जा सकता है, उसका बेहतरीन लाए अमल हम बना रहे हैं। एक प्रोग्राम बनाया है महिला, यानी लोग महिला के तरफ सिर्फ घर के तरफ देखते हैं, महिला यानी घर की नारी, लेकिन भारत राष्ट्रीय समिति महिला को नंबर वन पर रखती है कि पहला अगर घर बनाने वाली कोई माँ भाई, इनको प्राधान्य देने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति ने अनेक डेवलपमेंट की योजना बनाए हैं। आपकी दुआओं से, आप लोगों का साथ भारत राष्ट्र समिति को रहेगा। आने वाले दिनों में हम यहाँ एक मजबूत संगठन, एक मजबूत कार्य सक्षम महिलाओं का में ग्रुप के साथ चलेगी, उनके लिए एक बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारत राष्ट्र समिति के महिलाओं के समन्वयक हमारी बड़ी बहन शहिता जी, मैं विश्वास हमारी दूसरी बहन बदकर बाजी और सभी मेरी माता बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं आप लोगों का भारत राष्ट्र समिति के माध्यम से दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, आपके आने पे खुशामदी कहता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी पार्टी है जो तमाम जात बिरादरी के लोगों को साथ में लेके चलना चाहती है, खास करके महिला, हमारी माता बहने, हमारी बच्चिया। सरकार 3 साल हो गए उनको, सरकार से हमारा पांच का कार्यक्रम है ठिकाने नहीं, यहाँ ठिकाने सर्वप्रथम।